तो पहले इग्नू से अप्रूवल मिलता था, हमेशा देखा जाए अगर आप देखोगे तो इग्नू से ही ज्यादा डिस्टेंस के अप्रूवल मिलते थे सभी यूनिवर्सिटीज को, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती थी या कोई भी यूनिवर्सिटी चलना चाहती थी। अब उसी में डैब बन गया है, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी ही का एक पार्ट है ये, तो वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है। हर एक यूनिवर्सिटी को कुछ कुछ कोर्स दिए जाते हैं, किसी को 6 कोर्स मिले हैं, किसी को 8, किसी को 10, डिपेंड करता है, कई यूनिवर्सिटी को 20-20 कोर्स का अप्रूवल है। तो डिस्टेंस एजुकेशन लेने के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि उस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल कब मिला, किन किन कोर्सेज का अप्रूवल मिला, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज को डिस्टेंस का अप्रूवल नहीं है, कोई और अप्रूवल है बट वो डिस्टेंस बोल के आपका एडमिशन ले लेते हैं। और सबसे ज्यादा इसका शिकार कौन होते हैं, ये टेक्निकल कोर्स वाले, मतलब डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक। यूनिवर्सिटीज कुछ और मोड में चला रही है, सोचते हैं डिस्टेंस में चला रही है, एडमिशन ले लेते हैं और बाद में इनको प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, 4 ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें, हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो एमबीए करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस उनको मिलते हैं जहां से वो डिस्टेंस से कर सकते हैं। दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन एक बहुत ही काम का, जिसको दूरस्थ शिक्षा भी बोलते हैं हिंदी में, ये बहुत ही काम का और बहुत ज्यादा उपयोगी एक प्रावधान है, एक सिस्टम है जहां से अपनी एजुकेशन को आप आगे लेकर जा सकते हैं। जिसने भी अपनी कोई भी एजुकेशन बीच में ही छोड़ दी है, ब्रेक हो गया है, तो वो आगे अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर सकता है, फिर चाहे आप किसी भी एज में हैं। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कैसे अप्रूवल मिलता है, उन सब के बारे बताऊंगा अपने इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन पर किसी भी तरह की एडमिशन रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोर्स के बारे में, कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन लेती है या फिर किन कोर्सेज में ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन देती है यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास ऑनलाइन का अप्रूवल ही नहीं बट फिर भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं। कोई भी एडमिशन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपका कोई भी किसी भी तरह का डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आपके दिल में कोई सवाल है, आपको उसका जवाब हमारे इस चैनल पर आपको जरूर मिलेगा, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। दोस्तों हालांकि हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज को रिव्यू किया है आज तक, कई सारी यूनिवर्सिटीज को विजिट भी किया है, दूरस्थ शिक्षा मतलब कि डिस्टेंस एजुकेशन पर भी हमने कई वीडियोस बनाई हैं, बट आज जो हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, काफी सारे उसके प्लस पॉइंट्स बताएंगे, क्योंकि अब जैसे ही COVID-19 चला, जैसे ही ये कोरोना काल चला, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए, इवन जो रेगुलर पढ़ रहे थे वो भी एक तरह से डिस्टेंस के एजुकेशन के ही स्टूडेंट्स बन गए। ऑनलाइन एजुकेशन जरूर चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस जरूर चल रही हैं, बट आप समझ सकते हैं उसका लेवल कितना अच्छा है। दोस्तों है क्या चीज, डिस्टेंस एजुकेशन में आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन किसी भी तरह से छूट गई थी, किसी भी तरह से ब्रेक लग गया उसके अंदर, ग्रेजुएशन की मास्टर्स नहीं कर पाए या 12th की ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, तो ये सब करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर अंदर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिले हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू आपके एडमिशंस ले सकते हैं। अब दोस्तों है क्या चीज, अगर हम बात करें इसके अप्रूवल की, तो पहले इग्नू से अप्रूवल मिलता था, हमेशा देखा जाए अगर आप देखोगे तो इग्नू से ही ज्यादा डिस्टेंस के अप्रूवल मिलते थे सभी यूनिवर्सिटीज को, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती थी या कोई भी यूनिवर्सिटी चलना चाहती थी। अब उसी में डैब बन गया है, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी ही का एक पार्ट है ये, तो वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है। हर एक यूनिवर्सिटी को कुछ कुछ कोर्स दिए जाते हैं, किसी को 6 कोर्स मिले हैं, किसी को 8, किसी को 10, डिपेंड करता है, कई यूनिवर्सिटी को 20-20 कोर्स का अप्रूवल है। तो डिस्टेंस एजुकेशन लेने के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि उस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल कब मिला, किन किन कोर्सेज का अप्रूवल मिला, क्योंकि कई बार
होता क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज को डिस्टेंस का अप्रूवल नहीं है, कोई और अप्रूवल है, बट वो डिस्टेंस बोल के आपका एडमिशन ले लेते हैं। और सबसे ज्यादा इसका शिकार कौन होते हैं, ये टेक्निकल कोर्स वाले, मतलब डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक। यूनिवर्सिटीज कुछ और मोड में चला रही है, सोचते हैं डिस्टेंस में चला रही है, एडमिशन ले लेते हैं और बाद में इनको प्रॉब्लम्स होती है। डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही कारगर है, बहुत ही काम का है। आपने अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दी है, आप एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी के पास ऑनलाइन एग्जाम्स कराने की परमिशन हो, बट आप उस परमिशन को आप जरूर देख लेना। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जो थोड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। पर दोस्तों फिर भी आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या हमें व्हाट्सएप करें, हम उस पर आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश जरूर करेंगे और आपकी मदद करेंगे जो भी कुछ आपके क्वेश्चन होंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज के वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।